एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए खबर। जिले के सभी शिक्षकों की रद्द होगी प्रतिनियुक्ति, लौटेंगे स्कूल। देखेंगे वीडियो को विस्तार से, उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वहां से दबा दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक ने मंडल के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले के सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर शिक्षण कार्य में लगाया जाए, गैर शैक्षणिक कार्य से सभी शिक्षकों को मुक्त किया जाए। राज्य के शिक्षक संघ बार बार सरकार से मांग कर रहे थे कि शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य से कार्य में लगाने का कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। क्षेत्रीय निर्देशक के आदेश के बाद अब शिक्षक अपने अपने स्कूलों में लौट जाएंगे, इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। 2 दिन के अंदर कार्रवाई करने का आदेश। क्षेत्रीय निर्देशक ने जिला शिक्षा अधिकारी को 2 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही अब पंचायत चुनाव में लगाए गए शिक्षकों का काम भी समाप्त हो गया है। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि आगे से जो शिक्षक प्रतिनियुक्त कर अगर दूसरे विभाग में एवं गैर शिक्षण कार्य में शामिल होंगे तो उन्हें शिक्षा विभाग से वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये आपको पटना जिला की खबर है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष मनोज कुमार का कहना है कि पटना जिले के वर्तमान में 50 से अधिक शिक्षक विभिन्न स्थानों पर प्रतिनियुक्त है। सरकार को इन सभी शिक्षकों को शिक्षण कार्य में दोबारा लगा देना चाहिए। वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।